आज का मेरा ये वीडियो लोटस फोलियर फेशियल के ऊपर है, जिसका रिव्यू मैं पहले अपने वीडियो में दे चुकी हूँ। आज फिर मैं लोटस फोलियर फेशियल का डेमो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं अपने रिव्यू वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ये प्रोफेशनल फेशियल है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और फेशियल के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा फेशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनका फेशियल करना। सबसे पहले हम इनका फेस क्लीन करेंगे क्लिनजिंग मिल्क से। मैं इसकी 5 मिनट मसाज करूंगी अच्छी तरह से नेक पे और फेस पे। इसका फेस क्लींजर काफ़ी अच्छा है, इससे सारा फेस का जितना भी डस्ट होता है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। इस फेशियल में पानी का यूज़ आप बिल्कुल भी नहीं करोगे क्योंकि ये काफ़ी ऑयल बेस्ड है। इससे आपके हाथ बिल्कुल स्मूथली चलते रहेंगे, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। फेस क्लींजर करने के बाद आप किसी भी कॉटन या किसी टॉवल का यूज़ ना करें, डायरेक्ट आप इसके बाद स्क्रब यूज़ करें जिसकी मसाज होगी 10 मिनट। फेस क्लींजर करने के बाद हम इनके फेस पे फेस स्क्रब यूज़ करेंगे 10 मिनट। ये स्क्रब थोड़ा सा हार्ड है बट ये आपके फेस पे थोड़ा सा भी नहीं चुभेगा क्योंकि ये भी ऑयल बेस है। इससे आपके हाथ स्मूथली चलेंगे, किसी भी चीज़ की दिक्कत इसमें भी नहीं होगी आपको। आपके फेस में जितना भी टैन है इस स्क्रब को करते हुए आपका टैन रिमूव होगा जो कि आपको दिखाई देगा। इस स्क्रब को अपने फेस पे और नेक पे अच्छी तरह से अप्लाई करें।
आपकी नोज़ में ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स रिमूव करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपके फेस पे सन टैन हो रखा है तो उसको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। फेस स्क्रब करने के बाद मैं इसके फेस का सीरम यूज़ करूँगी, जिसकी मसाज मैं दूंगी 5 मिनट। इस सीरम का यूज़ आप फेस स्क्रब में भी कर सकते हो। ये सीरम फेस ग्लो के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इससे इंस्टेंट ग्लो फेस पे आता है। मैं थोड़ा सा और स्क्रब लेके सीरम के साथ स्क्रब मिक्स करूँगी और इनके फेस पे थोड़ी सी और मसाज करूँगी 2 मिनट।
इसके बाद हम इनके फेस पे फेस मसाज क्रीम का यूज़ करेंगे, कम से कम 15 मिनट, जिसके साथ मैं सीरम यूज़ करूँगी क्योंकि इसकी क्रीम काफ़ी हार्ड होती है और थोड़ी थिक होती है। फेशियल के सारे स्टेप्स आप वीडियो के अकॉर्डिंग ही करें, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करते हुए नज़र आ रही हूँ। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि गलत स्टेप्स करने से फेस मसल्स पे दर्द रहता है और फेस पे ग्लो नहीं आता फेशियल का, इसलिए सही स्टेप्स करें जिससे आपके फेस पे अच्छा ग्लो आएगा और आप रिंकल्स फ्री रहेंगे। हम फेस मसाज की क्रीम को थोड़ा सा बचा के रखेंगे क्योंकि जब हम फेस पैक लगाएंगे उसके लिए हमारी ये क्रीम यूज़ होगी, इसलिए आप थोड़ी सी क्रीम बचा के रखें। ये फेशियल वन टाइम ही यूज़ होता है, इसलिए आप इसको बचाए ना, इसको पूरा ही यूज़ करें। आप फेस मसाज को अच्छी तरह से करें, इनकी नोज़ पे, आइज़ पे अच्छी तरह से मसाज करें जिससे इनकी आइज़ रिलैक्स हो। पंद्रह मिनट मसाज करने के बाद मैं इनका फेस क्लीन नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट इनके ब्लैक हेड्स रिमूव करूँगी। ये ऑल स्किन टाइप फेशियल है, इसको कोई भी करवा सकता है। ब्लैकहेड रिमूव करने के बाद
मैं इनकी बैक मसाज करूँगी 5 मिनट। बैक मसाज को आप थोड़ा हैवी हाथों से दो, क्योंकि जिससे इनको रिलैक्स महसूस हो। बैक मसाज करने के बाद मैं इनका फेस पैक अप्लाई करूँगी फेस पे। उससे पहले मैं इनके फेस पे जो मसाज क्रीम हमने बचा के रखी थी उसको हम पूरे फेस पर थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। थोड़ा सा हम कॉटन लेंगे इनकी दोनों आँखों के लिए और उसको पानी में थोड़ा सा डिप करके निचोड़ के इनकी दोनों आँखों में रखेंगे। इस फेशियल में फेस पैक यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इस फेस पैक को फेस पे डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता, जैसा कि हम बाकी फेशियल्स में करते हैं। इस फेस पैक में मैं एक गौस पट्टी का यूज़ करूँगी। उस गौस पट्टी को मैं पानी में थोड़ा सा डिप करूँगी और थोड़ा सा निचोड़ के फिर इनके फेस पे लगाऊँगी। जहाँ पे इनकी नोज़ है वहाँ पर हम थोड़ी सी पट्टी को काटेंगे, जिससे इनको सांस लेने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। जो इसका फेस पैक है उसको आप पानी के साथ ही यूज़ करें और फेस को जल्दी जल्दी फेस पे अप्लाई करें, क्योंकि इसका फेस पैक जल्दी से सूख जाता है और ढंग से अप्लाई नहीं किया जाता। इसलिए मैं इनका फेस पैक जल्दी जल्दी लगाऊँगी। अगर इनका फेस पैक लगाते समय सूख रहा हो तो आप उसमें बीच बीच में पानी डालकर हिलाते रहे और फटाफट फेस पे लगाते रहे। इस फेस पैक को इनके फेस पे कम से कम 20 से 22 मिनट तक रहने दें। जब इनका फेस पैक सूख जाए तो आप नीचे से ऊपर की ओर रिमूव करें। फेस पैक रिमूव करने के बाद आप इनका किसी गीले टॉवल से फेस पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर दें।